लोकसभा में बड़ी चूक बीच कार्यवाही में कूदे अनजान शख्स, कुआं फैलाते हुए दर्शक दीर्घा से कूदे, कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। कई सवाल, कैसे आए लोग, कौन है ये शख्स। साल 2001 में हुए संसद हमले के 22 साल बाद आज उसकी बरसी पर लोकसभा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्यवाही के दौरान बुधवार को दर्शक दीर्घा से दो लोग सदन के अंदर कूद गए और उन्होंने धुआं फैला दिया, जिसके बाद कार्यवाही अचानक दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। घटना के तत्काल बाद दो लोगों को पकड़ लिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा अपने स्तर पर जांच कर रही है और इस बारे में दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने अभी कहा कि जो धुआं सदन में फैलाया गया था वह साधारण था और इसको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है, पर इन सब के बाद एक बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, आखिर दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया कैसे और कौन थे ये लोग, जानिए सब कैसे हुआ। बताया गया कि लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला आरोपी सागर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सिन्हा के नाम से जारी विजिटर पास के जरिए संसद भवन में दाखिल हुआ। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया दूसरा शख्स मनोरंजन भी इंजीनियरिंग का ही छात्र है। इसके अलावा दो अन्य लोग संसद के बाहर हंगामा कर रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पहचान हरियाणा के हिसार के रहने वाली नीलम और महाराष्ट्र के लातूर के आमोल के रूप में हुई है। फिलहाल इस संसद की सुरक्षा में चूक के बाद हमले की गंभीरता को देखते हुए अस्थायी तौर पर विजिटर पास पर रोक लगा दी गई है। अब तक विजिटर पास के माध्यम से ये लोग सदन की गैलरी में बैठकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देख सकते थे। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है।